नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे इस चेस चैनल जिसका नाम है चेस खड़गपुर। तो आज हम देखेंगे किंग्स गैम्बिट में एक शानदार सा ट्रैप जो कि सिर्फ 10 मूव्स का है। यहाँ पर वाइट खेलता है e4 और इसका जवाब जो है ब्लैक खेलता है e5 के साथ। तो यहाँ पर वाइट खेल सकता है f4। जी हाँ, यहाँ से शुरुआत होती है किंग्स गैम्बिट की। यहाँ पर अगर ब्लैक का खिलाड़ी उस पॉन को टेक ना कर अपने बिशप को निकाले c5 पर तो क्या होता है देखते हैं। तो यहाँ पर जैसे ही बिशप c5 खेलता है तो इसे कहते हैं डिक्लाइन वेरिएशन, वो गया कैप्चर नहीं कर रहा है उस पॉन को। तो यहाँ पर हम खेल सकते हैं नाइट f3, अपने उस नाइट को निकाल सकते हैं जिस नाइट पर बिशप ने अटैक किया, ताकि यहाँ पर क्वीन का जो है h4 का चेक रह सके। तो जैसे ही नाइट निकालते हैं, इसके बाद यहाँ पर ब्लैक का खिलाड़ी अपने लाइट स्क्वायर के बिशप को ओपन करता है d6 के साथ। तो यहाँ पर हम खेल सकते हैं c3, तो एक ट्रैप सेट कर रहे हैं यहाँ से, फॉलोड बाय हम खेलेंगे d4। सो यहाँ पर ब्लैक का खिलाड़ी क्वीन e7 खेल सकता है। वो चाहता है कि अगर यहाँ पर डी का पॉन हट जाए तो e4 के पॉन पर अटैक रहेगा, अगर ई का पॉन हटेगा तो। सो जैसे ही d4 करेंगे और यहाँ पर ई कैप्चर d4 और यहाँ पर सी कैप्चर d4 कर सकते हैं और अपने e4 के पॉन को हम दे सकते हैं। तो यहाँ पर अगर ब्लैक का खिलाड़ी अगर हमारे e4 के पॉन को मारे तो क्या होता है देखते हैं। हम यहाँ पर किंग f2 खेल लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं किंग और क्वीन दोनों ही एक ही फाइल पर हैं और यहाँ पर बिशप पर भी अटैक है, तो काफ़ी खतरे में नज़र आ रहा है ब्लैक। यहाँ पर पहले अपने वो बिशप को बचा सकता है, तो बिशप को g6 खेलेगा। b6 जैसे ही खेलेगा हम यहाँ पर बिशप का b5 चेक देंगे, और बिशप b5 चेक देने के बाद यहाँ पर उसके पास ऑप्शन है किंग को मूव कर सकता है या फिर पॉन पुश कर सकता है। अगर पॉन पुश करेगा तो साफ साफ दिख रहा है रुक ही बना रहा है, और अगर यहाँ पर किंग को जैसे ही हटेगा हम क्वीन पर अटैक करेंगे रुक से, और क्वीन जैसे ही हटेगा और अपने रुक से हम यहाँ पर शानदार सा चेकमेट कर रहे हैं। अगर ये वीडियो आप यहाँ तक देख रहे हैं तो इसका मतलब है कि इसमें आपको कुछ ना कुछ पसंद आ रहा है, और अगर पसंद आ रहा है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और हाँ सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।